अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो आज हमारी सीरीज स्टार्ट हो रही है जी ओमान की, मस्कत ऑफ ओमान की। आज मैं जा रहा हूँ मस्कत ऑफ ओमान, तो बस की टिकट मैंने ले ली हुई है, तो बस में जाएंगे आज हम अपना ब्लॉग स्टार्ट करेंगे, बस से शूट करेंगे। तो अभी 8 बजे उस बंदे ने कहा था कि आप आ जाना, तो अभी मैं रास्ते में छोटा सा बैग पैक किया और अभी जा रहा हूँ उसके पास। वहाँ से बस चलेगी, 9 बजे डिपार्चर है, तो सीधा डिपार्चर जाएगा अबू धाबी मेरे ख्याल से। अबू धाबी नहीं, मुझे आइडिया नहीं है वो कहाँ से लेके जाएंगे, बट अभी चलते हैं देखते हैं वो कहाँ कहाँ से जाती है। तो गाइस ये आ गया खंजरी ट्रांसपोर्ट पे, यहाँ पे हमारा 9 o'clock को है जी डिपार्चर। और आपको जैसे कि मैंने दूसरी वीडियो में दिखाया, ये सारा एरिया है, यहाँ से जाती है बस डिपार्चर, यहाँ पर आएगी बस इधर से आएगी। तो 9 बजे निकलेंगे यहाँ पर ना, यहाँ से 9 बजे निकलेंगे ओमान के लिए, तो सुबह 5 बजे वहाँ पर पहुँचेंगे। तो अभी जैसे जैसे एयरपोर्ट पर जाते जाएंगे तो मैं आपको साथ साथ बताते रहेंगे क्या 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 होता है क्या नहीं होता। तो अभी मैंने जो टिकट उससे ली थी, तो उसने सिर्फ उस पर रेड कलर की स्टैम्प लगे चेक के नाम से, चेक लिखा हुआ था। तो MNCID चाहिए जो कि वैलिड हो आपकी, अगर आपकी नियो भी बनी है 1 महीना 2 महीने भी हुए, 15-20 दिन भी हुए, तब भी आप जा सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो ये ट्रांसपोर्ट है ठीक है, ये कतर वालों की, उधर सॉरी कतर के तो ओमान मस्कत उतारेंगे, रुई उतारेंगे मस्कत ना ये लोग। तो यहाँ से आपको टिकट मिलेगी, नंबर भी इनका लिखा हुआ है, आप कॉल भी कर सकते हैं इनको व्हाट्सएप पर भी आकर। और इसके लिए डॉक्यूमेंट कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी आईडी MNCID वैलिड होनी चाहिए। इसका कोई इशू नहीं है कि आपकी 3 महीने हो तो फिर आप बहरीन जाओगे, जैसे कि मैं लास्ट टाइम बहरीन गया था तो उन्होंने कहा भाईजान आपकी आईडी अभी न्यू है तो अभी वेट करें, जैसे पुरानी होगी 3 महीने बाद आप जा सकते। तो मैंने कहा फिर मेरे टिकट के पैसे वेस्ट हो गए, 125 दिरहम भी उधर से वापस आए हैं। और तो अभी जब 3 महीने बाद फिर इंशाल्लाह दोबारा बहरीन जाएंगे, अभी तो ओमान जा रहा हूँ। तो ये सारा एरिया जहाँ पर भी मैं खड़ा हूँ, मेरा घर इधर इस साइड पर है पीछे, तो अभी बस आएगी दिन चलो बस में बैठेंगे, फिर आपको मजीद में दिखाता हूँ। तो बस ये बस आ गई, अब इसमें बैठ के जाना है। तो बस ये अपनी गाड़ी खड़ी है, बॉर्डर पे पहुँच चुके हैं और तकरीबन 15 मिनट के अंदर इमिग्रेशन क्लियर हो गई है। और ये दुबई का यूएई का बॉर्डर है, ये देख लें आप। और यहाँ पे बॉर्डर वगैरह अभी वो सामने जाना है वो है जी ओमान का, और ये इनका डिपार्चर हाल है। तो यहाँ से क्लियर हो गए हैं, तो अभी इंशाल्लाह आगे चलते हैं और आगे जाके बताते। कोई कुछ भी नहीं, सिर्फ पासपोर्ट स्कैन किया और 10 इन्होंने भजन स्टैम्प लगा दिया बस। तो सर ये ओमान की टर्टी है, ये इनका बॉर्डर है समझ लें भाई, बस जा रहे हैं। तो यहाँ पर इंडियंस को ऑनरेबल मिलता है और पाकिस्तानी को फॉर्म फिल करना पड़ता है, और उन्होंने तकरीबन काटे हैं 5 ओमानी रियाल काटे हैं आई थिंक सो, जो कि धर्म बनते हैं 55 धर्म समथिंग। हाँ 5 ओमानी रियाल काटे हैं जो धर्म में बनते हैं, तकरीबन 50 धर्म बनते हैं। तो ये है इनका जहाँ पर जाना, पासपोर्ट अराइवल वीज़ा ऑनरेबल मिलता है। तो बेहतर है यार वीज़ा ऑनलाइन लेके आओ, जो एमिरेट्स रेजिडेंस है वो वीज़ा ऑनरेबल लेके आओ, बड़ी खजल खराबी है भाई, घंटा डेढ़ घंटा ज़ाया होता है, मैं सही कह रहा हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इधर का। तो आप वीज़ा ऑनलाइन लेके आए, वहाँ पर भी 5 ओमानी रियाल लगेंगे, और यहाँ पर आकर भी वीज़ा ऑनरेबल जो आपको मिलेगा उसके भी 5 ओमानी रियाल लगेंगे। तो बेहतर है भाई वीज़ा अपना ऑनरेबल लेके आओ, ऑनलाइन लेके आओ सॉरी। तो उधर तकरीबन लगा घंटा लगा, इधर तकरीबन नहीं उधर 40 मिनट लगे, इधर ज़्यादा टाइम लग गया, 45 मिनट 50 मिनट 1 घंटा तकरीबन लग गया, इधर 1 घंटा लग गया। हाँ फॉर्म देंगे आपको फिल करने के लिए, फॉर्म फिल करना पड़ेगा, पासपोर्ट आपको लेके जाओगे वहाँ पर, मैं तो बस में आया हूँ। तो घंटा उन्होंने वेट करवाया भाई, फॉर्म फिल करो उसके बाद जाके फॉर्म फिल करना पड़ता है, डिटेल सारी डालनी पड़ती है, और उसके बाद जाके आपको पासपोर्ट पर कुछ स्टैम्प लगा देंगे, चलो भी भजन वेलकम टू ओमान। तो अब ओमान चलते हैं इंशाल्लाह, जाके देखते हैं, अभी तो काफ़ी ज़्यादा लंबा सफ़र है, 3-4 घंटे का सफ़र है, तो इंशाल्लाह आपको जल्दी मिलेंगे ओमान की वाइब में और ओमान के नज़ारे आपको करवाएंगे। ये इनका कुछ बॉर्डर है, माउंटेन्स वगैरह हैं लेफ्ट राइट देख रहे हैं आप। और एक और बात बता दूँ, यहाँ पर कैश वगैरह एक्सेप्ट नहीं करते, तो बेहतर अपने डेबिट कार्ड साथ लेके आए भाईजान। कैश मैंने उससे कहा, मैंने कहा कैश ले लो मुझसे, पहले उसने लगाया कार्ड और लगा नहीं, तो मैंने कहा दोबारा ट्राई करो, मैंने कहा मेरे कार्ड में पैसे हैं, और कहता कि भाई कैश हम एक्सेप्ट नहीं करते, मैंने कहा दोबारा कार्ड डालो, तो बेहतर अपना कार्ड डेबिट कार्ड लेके हैं साथ, कैश एक्सेप्ट नहीं करते जी। वेलकम टू ओमान, ओमान पहुंच चुके हैं, ये बस है अभी, इसकी एक फर्स्ट ब्रांच यहाँ पर है, तो यहाँ पर कुछ लोगों को छोड़ा और मैंने ये चाय लिया यहाँ से जो कि आई है 100 फील्स की, और ये शो पर मैं दिखाता हूँ, मैंने इसको 5 ओमानी रियाल दिया, उसने मुझे क्या क्या वापस किया। तुम्हें देखें ये 100 सेंट है, सेंट है, सेंट है, ये 1 रियाल 1 रियाल, इसकी इन पैसों की बड़ी वैल्यू है, इनकी बहुत हैवी करेंसी है, कतर के उसके कुवैत के बाद बहरीन और ओमान की बहुत हैवी करेंसी आती है, बहरीन की और ओमान की बहुत हैवी करेंसी है। ये 5 ओमानी रियाल इनकी वैल्यू है, 50 से 52 धरम, ये
ये इस टाइम ओमान की गलियों में घूमने भजन तकरीबन रात के बज रहे हैं 3 और चाय ली है जो कि 100 फील्स की है और अभी बस हमारी यहाँ पे खड़ी है। ये बस जाएगी अभी सीधा रुई पे उतरने जाके, रुई कोर्स स्टेशन है वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर हमारी बस रुकेगी, फिर हमारा सफ़र वहाँ से स्टार्ट होगा। ये एक बुर्जल फलज के नाम से है, बुर्जल फलज के नाम से जूस वगैरह कॉफ़ी वगैरह की शॉप, तो यहाँ पर रुक के कुछ लोगों को पैसेंजर को उतार रहे हैं यहाँ पर, उसके बाद फिर बस इधर सीधा वापस जाएगी, 5 बजे तक पहुँचेगी। और ये कि पानी की बॉटल मैंने ली है उससे, वो भी मुझे 100 फील्स की पड़ी है और एक जो चाय है ये भी मुझे 100 फील्स की पड़ी है। इनकी करेंसी काफ़ी भारी है यार, विच इज़ नॉट बैड, ठीक है। तो अभी इंशाल्लाह सफ़र स्टार्ट किया हुआ है, अभी इंशाल्लाह पहुँचेंगे कल से, हमारे फिर ब्लॉग दोबारा स्टार्ट होंगे इंशाल्लाह। जितनी चीज़ें जितनी जगह डिस्क्राइब करेंगे वो आपको सारी शो कर दी जाएगी। और मैं तो ये कहूँ कि वीज़ा आप इसका ना ऑनलाइन लेके आएँ, 5 रियाल का, इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। वो आप लाइन में आओगे, लाइन में लोगे, पेपर उससे लोगे, पेपर फिल करोगे, उसको दिखाओगे, वो डाटा डालेगा, तो बेहतर है आप वीज़ा ऑनलाइन कभी भी ना लें, मैं तो ये सजेस्ट करूँगा। मैं उधर गया हूँ, अजरबैजान गया हूँ, तो मैंने वीज़ा ऑनलाइन लिया था ऑलरेडी, हालांकि वो वीज़ा ऑनलाइन था बट वीज़ा मैंने निकाला हुआ था ऑलरेडी। फिर उसके बाद मैं अभी बहरीन गया हूँ, आपको बताया था पिछले वीडियोज़ में क्या हुआ था, बहरीन गया हूँ, उनका भजन आपकी एमिरेट्स आईडी पुरानी 3 महीने होनी चाहिए। तो फिर भी जब मैं यहाँ ओमान आया, मैंने ऑलरेडी चेक कर ली इनकी वेबसाइट पर जाके इनका क्या रूल्स रेगुलेशन है, तो वहाँ मैं लिखा तो वीज़ा ऑन अरावल, तो मैंने कहा चलो यार वीज़ा ऑन अरावल ही पकड़ लूँगा, बट वीज़ा ऑन अरावल में बहुत मुश्किल है। मैं तो ये कहूँगा अगर आपके पास एमिरेट्स आईडी है, अगर कहीं में भी जाना तो वीज़ा ऑन अरावल ना लेके जाओ, बड़ी झंझट में ना ही पड़ो तो बेहतर है, तो वीज़ा ऑनलाइन निकाल के जाओ बेटर है। तो चलें जी गाइस, ओमान पहुँच चुका हूँ, अभी भी पहुँचा, तकरीबन 7 बज रहे हैं सुबह के, तो रास्ते में काफ़ी स्टॉप थे जहाँ उसने स्टॉप किया गाड़ी को और लोग वहाँ अपनी अपनी जगह पर उतर गए जाकर। तो अभी पहुँचे हैं भाईजान, 7 बजे हैं और वहाँ से निकले थे रात को 9 बजे, तो काफ़ी लंबा सफ़र था, बैठ बैठ थक गया हूँ। तो अभी ये है कुछ वाइब, इधर मस्कत की, मस्कत सिटी है ये, ओमान की मस्कत सिटी है, मस्कत कैपिटल है, बताता चलो साथ साथ आपको मैं। और मस्कत सिटी में एक जगह रुई जहाँ पर लास्ट बस स्टेशन है इसका, ठीक है, ये अलखंजरी ट्रांसपोर्ट का लास्ट बस स्टेशन ये है, तो ये है मस्कत, बताता चलो साथ साथ आपको। मस्कत की सिटी रुई सिटी जो प्लेस है वो रुई है। तो यहाँ अभी आगे उतरे 7 बजे, तो क्वाइट सिटी है, अभी तो स्टार्ट हुई है, आई थिंक मॉर्निंग है तो इसलिए लग रही है, बट ये कि मेरे ख्याल से गर्मी वगैरह काफ़ी होगी, गल्फ कंट्री है ना, तो अभी तो नाश्ता वगैरह करना है। उसके बाद अकोमोडेशन मैंने बुक नहीं की हुई, बिल्कुल इसके पास ही एक जगह मैंने रात को देख ली थी, बस ये कि कोई यहाँ पर कोई रेस्टोरेंट वगैरह मिले जहाँ पर वाईफाई कनेक्ट करके अपना, तो मैं उसको ऑनलाइन बुक कर लूँगा, अभी मेरे पास है टाइम। वैसे भी आपको पता है चेक इन करना 2 बजे के बाद ही चेक इन होता है, होटल में, एयरबीएनबी में, कहीं भी आप जाएँ 2 बजे के बाद ही चेक इन होता है। तो अभी वेट करता हूँ इंशाल्लाह, यहाँ पे पास ही घूमता हूँ, 2 बजे तक घूमता हूँ, उसके बाद आके थोड़ा सा सो जाऊँगा 2-3 घंटे और उसके बाद फिर जाऊँगा दूसरी जगह पर, इधर ही मस्कत को एक्सप्लोर करेंगे। तो ये सिटी आप सारी देख रहे हैं पीछे, थोड़ी सी जगह जो मैं आपको पीछे दिखाता चलूँ, इधर पहाड़ वगैरह काफ़ी आपको मिलेंगे, सऊदी में जैसे पहाड़ है ना, सऊदी में पहाड़ है वहाँ पर, इधर पहाड़ भी आपको मिलेंगे। और मैंने देखा यहाँ पे छोटी छोटी बिल्डिंग्स हैं, मतलब जैसे पीछे देख रहे हैं ना आप, ये छोटी छोटी बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं यहाँ पर, तो कुत्ते भी हैं यहाँ पर भाई, कुत्तों से वैसे बड़ा डर लगता है, वो 2 हैं भाई, और छोटी छोटी इनकी बिल्डिंग्स हैं, मक्खियाँ भी आ रही हैं, पता नहीं क्या है ये, छोटी छोटी बिल्डिंग्स बनाई हैं पीछे देख रहे हैं आप। और बाकी इंशाल्लाह इसकी टिकट बता चलूँ, 100 दरम की जाने की और 100 दरम आने की, 36 दरम टैक्स लगता है जो कि बॉर्डर टैक्स होता है, उसके बाद आपने अपना 50 दरम जो है 5 ओमानी रियाल आपने पे करने हैं। एयरपोर्ट के ऊपर कैश एक्सेप्ट नहीं करते वो, और वो वीज़ा मशीन होती है वहाँ से एक्सेप्ट करते हैं। तो भी चलते हैं, आपको दिखाते हैं थोड़ा सा मज़ीद, कोई खाना शाना खाते हैं और उसके बाद वाईफाई कनेक्ट करके देखते हैं और मज़ीद आपको दिखाता हूँ। वहाँ से ये इनकी शॉप्स वगैरह कितनी ज़्यादा शॉप है, मैंने टाइम भी देखा, सुबह के 6 बजे, और ये मस्जिद है बहुत ही प्यारी, उस साइड पर जाकर दिखाता हूँ आपको, ये एरिया दिखाता चलो, उधर माउंटेन्स वगैरह हैं और ये छोटी छोटी बिल्डिंग्स हैं, मतलब इसे बैक साइड पे चलते हैं इस साइड पे, और ये सारे इनके शॉप्स वगैरह हैं, ट्रैवल एजेंसीज वगैरह। तो सुबह के 6 बज रहे हैं, पता नहीं रेस्टोरेंट खुला भी है कि नहीं, तो देखते हैं जाके आगे, मस्जिद दिखाता हूँ, वो सामने हाइपर मार्केट है इसकी, एक शॉप थी पीछे, कह रहा अभी सुबह के 6 बजे हैं भाई, अभी कोई नाश्ता वगैरह नहीं है। वोडाफोन यार, मुझे इंटरनेट जब भी मैं किसी सिटी में जाता हूँ ना, ये देखो मुझे इंटरनेट, सिर्फ इंटरनेट मिल जाए तो भाई मैं गुम नहीं होता, ठीक है,
सिर्फ इंटरनेट मिल जाए तो मैं गुम नहीं होऊंगा इन एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। बट क्या मेरा एक ही दिन है यार यहाँ पर, कल मैंने चले जाना है कोई जगह पे, जाऊंगा वाईफाई लगाऊंगा, खाना पीना खाऊंगा, तो वहाँ पे सारी चीज़ें मैं खुद ही देख लूँगा। ये भी एक रेस्टोरेंट है, इधर पूछते हैं जाके ये क्या कहते हैं। सारी जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ कि तो आप लोग सारे, ये मस्जिद के अंदर चलते हैं यार इधर से। मैंने कहा यार नाश्ता करूँ पहले, ये 100 फिल्स का चना है और ये 100 फिल्स का पराठा है, तो ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, तो मैंने कहा यार नाश्ता वगैरह करके फिर उसके बाद चलता हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली दे डोंट हैव वाईफाई हियर। लो जी ये रेस्टोरेंट है, ये देख लें इधर से, इस पर कभी ज़िंदगी नहीं आपने आना, क्यों नहीं आना? वजह इसकी मैं बताता चलूँ आपको भाई, वजह ये है मुझे पहले कहते हैं कि भाई चना 200 फिल्स का है, पराठा 100 फिल्स का है और चाय 100 फिल्स की। मैंने कहा ठीक है लाओ, जब लेके आया मेन्यू पे इसने लिखा नहीं हुआ कि भाई चना कितने का, कहता 300 फिल्स का। मैंने कहा पहले तो आपने कहा 200 फिल्स का, क्या है ये? फिर आप लोग कहते हो कि भाई आप हमें ये कहते हो वो कहते हो, कहीं पर भी हो ना कहीं पर भी पाकिस्तानी ऐसे ही करते हैं भाई मेरे, जहाँ दाल लगे छुरी फेर देते हैं। क्या है ये गंदगी यार, कसम खुदा के मैं तो इस चीज़ से बहुत तंग हुई। पाकिस्तानी हमारे भाई पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं भाई, हर एक को छुरा फेरते हैं, कसम खुदा की मैं तो बहुत इनसे तंग हुई यार। ठीक है जो मेन्यू में लिखा भाई वो बताओ आप, जो पैसे बनते हैं वो लो आप, ठीक है बंदा देखा नहीं बाहर से है तो भाई दस्ती रेट चेंज कर दी है। दैट्स सो पैथेटिक। ये भजन मेट्रो बस स्टेशन है यहाँ पर, और ये पीछे मस्जिद है, और ये बदरल समा हॉस्पिटल है, और टोयोटा का है जी शोरूम। ये सामने नेस्टो हाइपर मार्केट है, इधर जाके देखते हैं शायद इधर वाईफाई लगा, क्योंकि मुझे भी सिम कार्ड चाहिए, तो यहाँ पर सारी शॉप्स वगैरह क्लोज हैं। तो सूरज अभी निकला है देखें, मॉर्निंग का टाइम है 7 बजे का, और क्रॉसिंग पता नहीं उधर से इधर से ही करनी पड़ेगी। देखो गाड़ी वगैरह चल रही हैं, ये इनका ओमान है भाई, ये सामने KFC है, और ये है इनका रोड, वो सामने लगे हुए हैं जी, पीछे माउंटेन्स वगैरह हैं, और ये बस स्टैंड है बहुत बड़ा, इधर से बसें वगैरह चलती हैं, और ये ऊपर इनकी पार्किंग है, वो पीछे माउंटेन है इस साइड पर भी। तो देखते हैं अब इधर से जाके कोई फाइन वगैरह ना हो, अल्लाह खैर ही करे। इधर से क्रॉस करते हैं सामने चलते हैं। वाईफाई का बड़ा इशू है, वाईफाई तो नेस्टो इतनी बड़ी मार्केट है, नेस्टो नहीं है उस पर भी नहीं है, 2 लगे हुए ओपन थे वो भी नहीं है, और सिम वैसी वो बंदा कह रहा 2-3 उमानी रियाल की मिलेगी, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव, 1 GB चाहिए 2 GB यार, एक आधे दिन के लिए कहीं फ्री वाईफाई कनेक्ट हो जाए तो यार मैं अपनी लोकेशन पकड़ के आगे जाऊँ। चलें जी अभी तो 8 बजे दुकानें वगैरह खुलेंगी यहाँ पर, तो जब खुलेंगे तो तब सिम कार्ड भी ले लेंगे। तो भी पीछे बस स्टेशन है, यहाँ पर जा रहा हूँ सूख मतरात के लिए, तो 8 बजे दुकानें खुलेंगी, अभी 7 बज रहे हैं, तो बेहतर है मैं नीचे अब नीचे जाऊँ, और होटल्स का जो एयरबिन में का चेक इन आपको पता 2 बजे होता है, तो बेहतर है मैं नीचे चलता हूँ, घूम फिर के बाद में जाऊँगा 3-4 बजे 5 बजे। तो चलें फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।